नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल लकी शाम। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले कि YouTube Kids ऐप क्या है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, YouTube Kids यानी कि ये जो ऐप है सिर्फ और सिर्फ किड्स यानी बच्चों के लिए, जो भी बच्चे 10 साल से कम के होते हैं उनके लिए स्पेशली ये जो ऐप है उसको डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि आप YouTube पे देखेंगे बहुत सी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपके बच्चे के मानसिक हेल्थ के लिए सही नहीं है। एक बात यहाँ पे मैं और बता दूँ कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि जो YouTube Kids है हो सकते हैं प्रीमियम फ्री है, जो YouTube का बीटा वर्जन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये जो ऐप है सिर्फ और सिर्फ किड्स के लिए है। ठीक, सो यहाँ पर चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से इसका आप देखेंगे सबसे पहले इंटरफेस, उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है आपको। यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आएंगे, आई एम ए किड एंड आई एम ए पेरेंट। ठीक, तो यहाँ पर यदि आपका बच्चा इस ऐप को ओपन करता है तो आई एम ए किड पर क्लिक करेगा तो ये जो ऐप है यहाँ पर ओपन ही नहीं होगा। यहाँ पर उसको आई एम ए पेरेंट पे क्लिक करना होगा। तो जाहिर सी बात है कि 10 साल से कम के बच्चों को कंट्रोल करने के लिए आप ही उसको फ़ोन देंगे कि लो यूट्यूब देखो, तो आपको यहाँ पे आई एम पेरेंट पे क्लिक करना है। ठीक, आई एम पेरेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी एज लिख देनी है, जो भी यहाँ पे आपकी एज है। एग्जाम्पल यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि आप ओरिजिनल ही डालें। यहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना, उसके बाद यहाँ पे शो टेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको साइन इन करना उतना ज़रूरी है नहीं। यदि ज़्यादा आपकी कंट्रोल करना चाहते हैं अपने इस ऐप को अपने बच्चों के लिए तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका ज्यादा कोई फायदा है नहीं, तो यहाँ पे आप स्किप कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे अप्रूव कंटेंट योर सेल्फ, यानी कि यदि आप इसमें साइन इन करते तो यहाँ पे आप कुछ अप्रूवल दे सकते थे कि आपका जो बच्चा है सिर्फ इसी कैटेगरी के वीडियो यहाँ पे देखेगा। बाय द वे, आप यहाँ पे एज कैटेगरी के अनुसार भी सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बढ़िया वीडियो उनके लिए आ जाते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे तीन कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, जैसे कि यहाँ पे प्री स्कूल, यहाँ पे यंगस्टर एंड ओल्डर। यहाँ पे एज वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया, पहला जो है एज है वो 4 साल से कम के लिए है, यहाँ पे दूसरा जो एज है 5 से 8 साल के बीच की है, और जो तीसरी एज लिमिट है यहाँ पे 9 से 12 के बीच में है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए प्री स्कूल ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है, अब यहाँ पे डन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो यूट्यूब किड्स है उसका यहाँ पे होम पेज खुल के आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जितने भी मटेरियल यहाँ पे दिख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कार्टून दिखेंगे, क्योंकि उस एज में जो बच्चा है सिर्फ कार्टून देखना पसंद करता है, और उसके लिए ये सही भी है क्योंकि इस कार्टून के जरिए आपको म्यूजिक भी मिलेगा, कहानियाँ भी मिलेंगी, कैसे अपने आप को सिक्योर रखना है, कैसे चीज़ों को समझना है, सब कुछ यहाँ पे कार्टून के जरिए बच्चों को बताया जाता है। तो सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं कि वैसे ही चीज़ें आएंगी और कुछ यहाँ पे ज़्यादा आएगा नहीं। जैसे वही यदि आप यूट्यूब उसको देते हैं खोल के तो उसमें उसको ज़्यादा एक्सेस मिल जाती है, बहुत से ऐसी चीज़ें आ जाती है जो उनके लिए सही नहीं है मानसिक हेल्थ के लिए। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उस एज रिलेटेड यहाँ पे वीडियो उसके लिए आएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कार्टून हो गया, कार्टून के जरिए यहाँ पे कहानियाँ बनती हैं वो भी यहाँ पे दिया गया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो उस उम्र के लिए उसके लिए उपयोगी है सिर्फ वही यहाँ पे आएगा। ठीक, जैसे कि आपको ये डर नहीं रहेगा कि मेरा बच्चा यूट्यूब पे क्या देख रहा है, कोई ऐसी गंदी चीज़ ना देख ले या कोई मान लीजिए डरावनी चीज़ें को ना देख ले जिससे कि उसके माइंड में ये सेट हो जाए और फ्यूचर में चल के दिक्कत करे। वैसे यहाँ पे यूट्यूब किड्स में ऐसा नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ वो जो आता है यूट्यूब पर आता है, क्योंकि यूट्यूब पर ज़्यादा एक्सेस होता है बहुत से लोगों के लिए, मतलब वो सबके लिए होता है। लेकिन जो YouTube Kids है सिर्फ और सिर्फ स्पेशली किड्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। सो यहाँ पे कुछ आप यहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे साइड में देख सकते हैं प्राइवेसी में, तो वन मिनट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइवेसी दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे कुछ और भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि इसमें यदि आप सर्च वाला ऑप्शन हटाना चाहते हैं तो वो भी हटा सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे ऑफ साइड में देख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, प्राइवेसी पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी है तो यहाँ पे 9x4 कर लेना है, तो 9x36 यहाँ पे कर लेते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे दो तीन चीज़ें मिल जाती है। जैसे यहाँ पे टाइमर लगा सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इतने घंटे के लिए ये जो ऐप है एक्सेस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग में कुछ और चेंजेस कर सकते हैं, टाइमर पे क्लिक करते हैं तो आप कितने मिनट के लिए अपने बच्चों को ये जो ऐप है यूज़ करने के लिए देते हैं, तो उतना यहाँ पे लगा के यहाँ पे आप स्टार्ट टाइमर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग में यदि आप करना चाहते हैं कुछ, तो यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आप सर्च वाला ऑप्शन बंद करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके उसको बंद कर सकते हैं, और यहाँ पे यदि चाहते हैं कि ऐप में म्यूजिक ना आए तो यहाँ पे म्यूजिक भी बंद कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आप यहाँ से डिजाइनिंग कर सकते हैं। यदि आप कास्टिंग इसकी बंद कर सकते हैं करना चाहते हैं जैसे बिग स्क्रीन पे दिखा जाता है तो भी यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं। सो बस यही इसका फायदा है छोटे बच्चे के लिए। YouTube Kids बहुत बढ़िया है, यदि आप इसको यूज़ करते हैं अपने बच्चों के लिए तो काफ़ी यहाँ पे फायदेमंद है, क्योंकि YouTube पे जो चीज़ें आती है वो यहाँ पे YouTube Kids में नहीं आती, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई भी सर्च करता हूँ
जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मूवी सर्च किया, ठीक, यहाँ पे मूवी नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि उस एज के जो बच्चे हैं उनको मूवी देखना पसंद है नहीं। देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कार्टून ही आएगा, कार्टून वाला ये जो क्लिप होते हैं शॉर्ट्स, वही सिर्फ यहाँ पे आएंगे, उसी में आपको कहानियाँ मिल जाएंगी, या मूवी जो होगी उसी को लंबा चौड़ा बना के उसमें कहानी के तौर पर दिखाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई इसमें एक्टर आ जाए, या कोई ऐसा म्यूजिक आ जाए, या कोई ऐसा झगड़ा झुगड़ न्यूज़ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं इसमें आएगा। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।